राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर चर्चाएं रहती हैं कि जल्द ही उनको सीएम पद मिलता नजर आएगा, लेकिन अशोक गहलोत के अगर इरादों की तरफ नजरें डालें तो उनका इरादा अभी इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं कि वो आसानी से सीएम कुर्सी छोड़ते नजर आएं। लेकिन लगातार कई सारे ऐसे समर्थक हैं सचिन पायलट के जो कहीं ना कहीं ये बात छेड़ी देते हैं कि अब अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ऐसे ही एक और इस्तीफे पर खुलकर बोलती नजर आई सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट, जहां पर बकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया। इससे पहले सचिन पायलट की पत्नी ने सचिन पायलट को लेकर यह भी कहा था कि राजस्थान की जनमानस की भावना व पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान करके जल्द ही सचिन पायलट जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बात वो पहले कर चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने जब यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्मल चौधरी जीते हैं तो इसी के साथ उन्होंने दो और ट्वीट किए। राजस्थान में उन्होंने कहा कि राजनीति में सचिन पायलट मेरे आदर्श, निर्मल चौधरी ने ये बात कही, यानी कि युवाओं की सोच बदल रही है और युवा सचिन पायलट के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ सारा पायलट ने यह भी कहा कि NSUI एक भी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष नहीं बना पाई, मनोनीत अध्यक्ष को जिम्मेदारी लेते हुए पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात करते नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने अभिमन्यु पुनिया को भी इसमें टैग किया है। और उससे पहले उन्होंने सचिन पायलट को लेकर जो बातें कही हैं उनको मुख्यमंत्री पद देने की, वो आपको हमने अपने यहाँ पे ट्वीट दिखाई दिया। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है कि क्या अब जैसे हालात राजस्थान में बने हुए हैं और आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए और बीजेपी की रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए क्या सचिन पायलट को सीएम पद देना चाहिए या नहीं, अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन लगातार सचिन पायलट का समर्थन उनकी पत्नी सारा पायलट करती नजर आ रही हैं, ये एक अपने आप में बहुत ही रोचक बात है। और जिस तरीके से सारा पायलट कठिन समय में, यानी कि जो एक कह सकते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, उस सब्र के समय में सचिन पायलट के साथ खड़ी हैं, तो सचमुच कहते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे महिला का हाथ होता। अगर सचिन पायलट आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री या इनको कोई बड़े पद दिए गए तो कामयाबी के पीछे जरूर उनकी पत्नी सारा पायलट का ही हाथ होगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति में आप क्या चाहते हैं, सीएम पद किसके पास जाए, अपनी राय खुलकर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।